उनके पिता समाज सेवी एवं श्रमिक नेता रहे। इन्हीं संस्कारों का रामजी मेनारिया पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और वे आजीवन श्रमिक आंदोलन, समाज सेवा एवं राजनीति से जुड़े रहे। आपका विवाह 1955 में मोहन देवी जी के साथ हुआ। आप अपने पीछे व्यथित हृदय धर्म पत्नी श्रीमती मोहन देवी, पुत्र मोहित व पुत्र वधु सोनम सहित एक भाई व एक बहन, भतीजे भतीजियों, पौत्र पौत्रियों सहित समृद्ध एवं संपन्न परिवार छोड़ गए। सन 1953 कार्य से जुड़ गए और दो वर्ष तक शिक्षक रहने के बाद सन 1955 में नगर पालिका उदयपुर में सेवाएं प्रारंभ की। यहीं से आप राजस्व निरीक्षक के पद पर से 1990 में सेवानिवृत्त हुए। राजनीतिक गतिविधियां आपकी इस प्रकार रही है। सन 1945 में उदयपुर में हुए देसी लोक राज्य परिषद में मेवाड़ धारा सभा के चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में प्रचार कार्य में सक्रिय रहे। इसी वर्ष मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा आयोजित सामंत शाही के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सन 1952 से 1998 तक वे विधानसभा, लोकसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनावों में एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी द्वारा प्रदत्त पार्टी को सफलता दिलाई। शहरी राजस्थान एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, हरिदेव जी जोशी, हीरालाल जी देवपुरा, गुलाब सिंह जी शक्तावर, शिवचरण जी माथुर, हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर आदि वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में आपने पार्टी संगठन को मजबूत करने और बाद में श्री अशोक जी गहलोत, डॉक्टर गिरिजा जी व्यास, डॉक्टर सी पी जोशी सहित की ओर से और उनका जो बाबूजी का व्यक्तित्व था उस पर आज भाई साहब ने प्रकाश डाला। मैं मेनारिया समाज जो है उसकी ओर से बाबूजी का जो समर्पण समाज के प्रति था उसे आपके सामने रखता हूँ। बाबूजी हमारे
मेनारिया समाज में, मेनारिया समाज के लिए इन्होंने इतना सभी समाजों के काम करते हुए अपना जिस समाज के अंदर इन्होंने जन्म लिया उस समाज में भी उन्होंने अपना पूरा समय दिया और इतना समय दिया कि आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे कि बाबूजी ने मेनारिया दर्पण न्यास नाम से एक संस्था का हमारे समाज में रहते हुए निर्माण किया। प्रति वर्ष जो है वे 1000 के आसपास समाज के, हमारे मेनारिया समाज के जितने भी प्रतिभावान बालक हैं और बालिकाएं उनके सम्मान का कार्यक्रम के हमेशा अग्रत रहे और समाज के तमाम वे साथी जो इसके अंदर भाग ले सकते हैं उनकी सहायता लेकर के और उन्होंने उन प्रतिभावान बालकों का सम्मान करने का काम किया। साथ ही मेनारिया समाज का एक बहुत बड़े हॉस्टल के निर्माण का बीड़ा उनके हाथ में उन्होंने उठाया और चित्रकूट नगर में मेनारिया समाज के लिए 8000 वर्ग फीट जमीन का जो है UIT के माध्यम से आपने आवंटन करवाया उसका मेनारिया समाज की ओर से अग्रज रह करके और भूमिका पूरी अदा करते हुए आपने जमा कराई। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के लिए आपने विशेष तौर से ग्रामीण जितने प्रतिभावान बालक हैं उन बालकों के लिए भी बहुत प्रयास किए और इसके जो शिक्षक हैं गाँव के अंदर, जैसे मैं सलूमबर रहता हूँ, सलूमबर में भी उन्होंने तकनीकी शिक्षा के लिए वहाँ जो स्कूलें हैं उन स्कूलों के अंदर तकनीकी शिक्षा के जितने अध्यापक हैं प्रत्येक जगह पर आयोजन करके उसके कार्यक्रम किए। उन्होंने बांसवाड़ा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शांति शांति शांति। परिचय करो, परिचय एक नहीं है है, सब इंटक के बहुत बड़े नेता थे, मैं था नेगरिया उस समय भी, पर इनके साथ दोस्ती थी, सही है, अच्छी अच्छी बहुत जोश करो, जोश करो, सब घंटा लगा ये और कोई जगह अगर बोटी आएगी तो धन्यवाद। खिलाड़ी सीनियर कोच साहब है कुश्ती के, नेशनल और इंटरनेशनल कुश्ती लड़वा चुके हैं, बस केबल के माध्यम से छोगा लाल जी को चाय पे आमंत्रित कर रहा हूँ इनको, ये बहुत बड़ी हस्ती है उदयपुर की, हमारे छोटे से घाट, हमारे वो घाट नहीं है ये, हमारे छोटे मोटे आपके मित्र हैं, हम तो यार ये कर रहे हस्ती है, नहीं बहुत बड़ी हस्ती हो आप और हमारे आपका जो भी आगे चुनाव में जो आपका जो इसमें जो आप कदम उठा रहे हो उसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आपके लिए मददगार रहेंगे, आपके लिए धन्यवाद, आपके लिए सड़क पे उतरेंगे, आपके लिए हम क्या ये बहुत बड़ी बात है हम, भाई हम कोई पार्टी कांग्रेस नहीं, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, मैं बहुत कई महीने सालों से सक्रिय नहीं हूँ पार्टियों में, किसी भी पार्टी में नहीं जाता हूँ, लेकिन व्यक्ति के लिए मैं जाता हूँ। अरे बस धन्यवाद, सब देख लेंगे बाहर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।